होटल या रेस्टोरेंट में आपने टोमेटो राइस तो कई बार खाया होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसे बनाना ज्यादा मुश्किल होगा। क्या आपने इसे कभी घर पर बनाया है? आप इसे आधे घंटे के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं साउथ इंडिया की रेसिपी टोमेटो राइस को बनाना बहुत आसान है? जी हाँ, ये रेसिपी खाने में जितनी स्वादिष्ट है उतनी ही बनाने में आसान। आइए जानते हैं इस टोमेटो राइस को बनाना कितना आसान है। हमने टोमेटो राइस बनाने के लिए 1 कप बासमती चावल लिए हैं। आप बासमती की जगह कोई भी चावल ले सकते हैं। अब इस चावल को हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोकर इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। ये टोमेटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम टोमेटो की प्यूरी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब इस कढ़ाई में लगभग 1/2 लीटर पानी डाल लेते हैं और इसे एक उबाल आने देते हैं। जब इस पानी को उबाल आ जाए तो उसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसे अच्छे से उबाल आ चुका है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, गैस की आंच बंद कर देते हैं। ये टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। ये टमाटर के छिलके भी थोड़े थोड़े से अलग हो रहे हैं। अब इसे एक बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं ताकि ठंडे होने पर टमाटर के छिलके निकालने में आसानी हो जाए। अब ये टमाटर ठंडे हो चुके हैं। अब इस तरह टमाटर के छिलके और डंठल निकाल लेते हैं। अब इसी तरह सभी टमाटर के छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब एक मिक्सी के जार में छिलके निकाले हुए टमाटर, लहसुन और मिर्च डालकर इसकी फाइन प्यूरी बना लेते हैं। ये टोमेटो प्यूरी बनकर तैयार है। अब हम झटपट टोमेटो राइस बना लेते हैं। ये टोमेटो राइस बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही 1 चम्मच राई डालकर उसे चटकने देंगे। 1 चम्मच जीरा डालकर जब ये चटकने लगे तो इसमें 1 तोड़कर ली हुई बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी और 1 चक्री फूल डालकर थोड़ा सा सौते करेंगे। अब इसमें बड़े आकार का लंबाई में काट कर लिया हुआ प्याज डालकर उसे भूनेंगे। हमें इस प्याज को तब तक ही भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब इसमें लंबाई में कटी हुई 2 हरी मिर्च, 10-12 करी पत्ते और 10-12 काजू डालकर इसे सौते कर लिया है। आप काजू की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं। अब हमने जो टोमेटो प्यूरी बनाकर रखी है उसे भी इस कढ़ाई में डालकर इन मसालों के साथ मिलाकर इसे भूनेंगे। हमें इस प्यूरी को तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए और इसमें से तेल किनारों पर निकल ना आए। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मिला लेते हैं। मिर्च की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। टोमेटो राइस में मसाले काफी ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से मसालों की मात्रा घटा सकते हैं। 2 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं इन मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब इसमें डाले हुए मसाले अच्छे से पक चुके हैं। ऑफिस टिफिन या बच्चों के टिफिन के लिए भी ये बढ़िया लंच रेसिपी हो सकती है। अब जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उन्हें इस मसालों में डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इसे इन मसालों में अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें 2 कप गुनगुना पानी डालेंगे। हमने यहाँ 1 कप चावल लिया है तो 2 कप पानी का रेशो यहाँ रखना है। यहाँ पर हमने चावल को भिगो कर रखा था इसलिए पानी की मात्रा हमें कम लगी है। हमने यहाँ 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी का उपयोग किया है। आपको कितना पानी मिलाना है ये चावल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन टोमेटो राइस को इस तरह बनाने से इसका स्वाद निखर कर आता है। अब इसे हम धीमी आंच पर पकने देंगे। अब 10 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं कि चावल लगभग आधे पक चुके हैं। इसमें से पानी भी कम हो चुका है। अब इसे ढककर रख देते हैं और गैस की आंच धीमी कर देते हैं। इसमें जमने वाली भाप की वजह से ये खिले खिले चावल पककर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको खिले खिले चावल ना पसंद हो के नरम चावल खाना पसंद है तो आप इसमें पानी की मात्रा 1/2 कप बढ़ा सकते हैं। ये खिला खिला टोमेटो राइस बनकर तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये टोमेटो राइस पकने के लिए लगभग 20 मिनट का समय लगा है।
और पूरी रेसिपी बनाने के लिए लगभग 30 मिनट का समय है। इस टोमेटो राइस को सर्व करने से पहले इसमें हरा कटा धनिया डालकर मिला लेते हैं। ये टमाटर चावल यानी टोमेटो राइस की रेसिपी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक पसंदीदा मुख्य व्यंजन है। तमिल भाषा में थकल्ली सदाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। थकल्ली का अर्थ होता है टमाटर और सदाम का अर्थ होता है चावल। इसे चिप्स, पापड़ या फिर साइड रायते के साथ भी परोसा जा सकता है। अगर आपको टोमेटो राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर श्रुति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर श्रुति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।